नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। और मैं अंजू जम्मू से। और फ्रेंड्स, कुछ टाइम से मेरी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं चल रही थी, दैट्स वाई गार्डनिंग मैंने अपने आप में ही सिमटा के रख दी हुई है। और ये देख ही सकते हैं, इस एरिया में मैंने अपने कुछ पॉट्स हैं, प्लांट्स हैं जो मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। उसका कारण ये है कि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वाटरिंग करने में भी प्रॉब्लम हो जाती थी। दूसरा कारण ये था कि मुझे सर्दी गर्मी अपने जो पॉट्स प्लांट्स हैं या पॉट्स हैं उनकी लोकेशन मुझे चेंज करते रहना पड़ता है। और आज मैं आई हूँ सिर्फ आपको एक छोटी सी अपडेट देने के लिए कि आप भी देखिए कि इस तरह से जो प्लांट्स मैंने रखे हैं वो कैसे देखने में कैसे लग रहे हैं। और सच जानिए थोड़ी सी राहत भी हुई है, सभी प्लांट्स मैंने एक जगह पर इकट्ठे रखे हैं, यहाँ पर मुझे वाटरिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो मैं आपको अपने एक गार्डन की छोटी सी लुक बताती चलूँ। और यहाँ पर मैंने एक हैज, कॉर्नर हैज मैंने क्रिएट करा था, जो मैंने आप सब फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा था। इस तरह के कॉर्नर्स क्रिएट करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और मॉर्निंग का टाइम है और अपने गार्डन में आना बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। अभी मैंने अपने प्लांट्स को इतने ज़्यादा वाटरिंग नहीं करी है, सूरज देव जी भी अपने दर्शन दे चुके हुए हैं। सूरज बड़ा ज़्यादा सन होने की वजह से फिर बाद में क्या होता है कि वीडियो शूट नहीं हो पाती है हमसे। और यहाँ पर मैं दिखाती चलूँ, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। बड़े ज़्यादा मैं डिटेल नहीं दे पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताती जाती हूँ आपको, यहाँ पर मेरी वेरीगेटेड चांदनी है, यहाँ पर पत्थर चट्टा का प्लांट रखा हुआ है और उसके पीछे मैंने लेमन का प्लांट रख दिया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी अच्छे से फ्रूटिंग भी हो रही है। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ, ये सेंटर पर यहाँ पर मैंने बॉलविन ज्यू मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पर विंटर की बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं इतना ज़्यादा सीडलिंग कर पाई, लेकिन हाँ कुछ कुछ सीड्स मैंने जो लास्ट ईयर के थे वो मैंने सेव करके रखे थे और मैंने ग्रो करे। यहाँ पर मैरी गोल्ड की मैंने सीडलिंग करी थी, इसमें बड़ी ज़्यादा नहीं करी, मैं हमेशा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी साल्विया वगैरह की और कुछ कटिंग वगैरह मैंने ग्रो करी है, और भी कुछ पिटूनियाज़ वगैरह जो हैं वो मैंने उसके सीडलिंग मैंने करी है। और यहाँ पर भी बताती चलूँ, यहाँ पर मेरा चंपा का प्लांट एक कॉर्नर में रखा हुआ है जो काफ़ी बड़ा था, इसको मैंने कॉर्नर में ही रखना अच्छा समझा। और यहाँ पर भी मेरे चांदनी के प्लांट रखे हुए हैं, यहाँ पर एक ही साथ मैंने सारे यूफोर्बिया मिली की आप देख रहे हैं कि सारे एक साथ रख दिए हुए हैं। अब उस साइड एरिया पे धूप जो है वो नहीं आती है, यहाँ पर मॉर्निंग की धूप पड़ती है, तो प्लांट्स मैंने सभी फिर इस एरिया पे मैंने शिफ्ट कर दिए। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं चांदनी, छोटी चांदनी की कितनी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। और मेरे चांदनी जो प्लांट है उसमें ब्लूमिंग जो है वो जुलाई से स्टार्ट हो जाती है। और नाइट में एक राउंड लेना मैं कभी नहीं भूलती हूँ, खासकर चांदनी के अपने इन वाइट फ्लावर्स को देखने के लिए जो अंधेरे में भी शाइन करते हैं। यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स मैंने ग्रो करी थी जो मैंने यहाँ पर रख दी। सिंकोनियम तो मैंने आप सब फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा था, कोलियस भी मैंने आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करा था। और यहाँ पर मैं दिखाती चलूँ, यहाँ पर गुलदाउदी की कितनी कटिंग्स थी जो मैंने ग्रो करी हैं। यहाँ पर मैंने कोलियस की कटिंग्स मैंने काफ़ी ग्रो करके इस साइड पर रख दी हुई है। यहाँ पर छन के धूप आती है जो कोलियस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी अगेन मेरा एक गुलदाउदी है का प्लांट है। और यहाँ पर एक ऑर्नामेंटल ग्रास है, ये भी काफ़ी टाइम से छुपी हुई थी किसी पॉली बैग में डाल के, तो अब मैंने इनको भी पॉट में शिफ्ट कर दिया हुआ है। और ऐसा जाने, ये देखिए मेरे बोगनविलास जितने थे मैंने उनको हार्ड प्रून करके उनको एक साथ रख दिया है। अभी बहुत सारे जो प्लांट्स थे वो मैंने दे दिए, जिनके बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, एक एक वैरायटी के पता नहीं कितने, सात आठ आठ वो उनके पॉट थे, वो मैंने निकाल दिए। बहुत ज़्यादा प्लांट्स होने पर हम क्या होता है कि अकेले हैं तो फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताती चलूँ, यहाँ पर मेरी रोज़ की वैरायटी रखी है, गुड़हल की वैरायटीज़ भी रखी हैं, सभी प्लांट्स जो हैं वो मैंने इकट्ठे करके रख दिए हुए हैं। यहाँ पर बोट लिलीज के थे, बोट लिलीज के तो मैंने बहुत ज़्यादा ही दे दिए थे क्योंकि आपको पता है ये मल्टीप्लाई भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पर कोलियस, अगेन मेरा कोलियस है, स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग्स भी बहुत ज़्यादा मैं ग्रो करती रहती हूँ। मेरे एक अप्रैल ओवरव्यू में आपने मेरे कोलियस की कितनी वेराइटीज़ थी जो मेरी इस समर्स में काफ़ी ख़राब भी हुए। यहाँ पर भी बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे। और
यहाँ पर भी डोरेंटास का एक कॉर्नर मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी है। बिल्कुल वेस्ट से ये मैंने, आप देख सकते हैं, बिल्कुल वेस्ट से मैंने करा है। और आप भी इस तरह से कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपके घर में वेस्ट है तो आप उसमें प्लांट्स ग्रो करके उनको एक साथ रख सकते हैं। ये देखिए सूरज की रोशनी, किस तरह से सूर्य देव जी दर्शन दे रहे हैं अपने, और बड़ा ही अच्छा लगता है मॉर्निंग में इधर आना। ग्रीनरी तो प्लांट देते ही देते हैं, साथ में हेल्थ भी देते जाते हैं। और इसके साथ यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स थे जिनकी मैंने कटिंग्स भी ग्रो करी हुई थी, जो एक साथ भी रखे हुए थे। यहाँ फिर और गुलदाउदी है, यहाँ पर ये फोर्बिया मिली की कटिंग्स है, यहाँ पर मैंने सीड्स ये मैरीगोल्ड वगैरह ग्रो करे हैं। बहुत सारे जो सीडलिंग मैंने करी है वो अभी मैंने इंडोर रखी है, बिकॉज अभी धूप है इधर। और यहाँ पर भी बहुत से युक्का की वेराइटी है। यहाँ पर ये वाला, इस वेराइटी का युक्का तो आपने, मैंने आपसे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा था। और यहाँ पर भी मेरा गुड़हल का प्लांट रखा हुआ है, और यहाँ पर रात की रानी रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा अगर डिटेल देने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं अब लेके चलती हूँ अपनी दूसरी साइड एरिया पर लेके चलती हूँ। तो और यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पर भी मेरा पोनी टेल पाम पड़ा हुआ है, सिंगोनियम है। यहाँ पर जो ये ग्रिल है, यहाँ पर मैं हमेशा विंटर्स के जो फ्लावरिंग प्लांट है वो मैं लगाती हूँ। समर्स में तो ये स्वीट पोटैटो वाइन आ जाता है, या हमारे पार्चुलोका या पर्सुलेन की वैरायटी में यहाँ पर रखती हूँ। लेकिन मोस्टली मैंने वो प्लांट्स अब थोड़े थोड़े टाइम में, या तो कुछ ही सेव करके रखती हूँ, बाकी मैं निकाल देती हूँ। और यहाँ पर मेरा ड्रेसिना है, जो बड़ा ही पुराना मेरा ड्रेसिना प्लांट है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स मैंने जो है वो कोलियस की ग्रो करी हुई है। और यहाँ पर अगेन मेरा चंपा का प्लांट है, और जो कोचियास मैंने बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कोचियास मैंने ग्रो करे थे, अब वो कुछ ही सीड लेने के लिए मैंने कुछ पॉट जो हैं वो रख दिए हुए हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इनको एक साथ रखे हुए ये प्लांट कितने सुंदर लग रहे हैं, ये बॉलविन जियो और वनरिंग जियो। ये फ्रेंड्स मैंने आप सब फ्रेंड्स के साथ भी मैंने शेयर करा था, सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने डेंथस मैंने निकाले बाहर, और मुझे खुद भी याद नहीं रहता था कि मैंने डेंथस कहाँ रख दिए। पॉली बैग में रख के उनको इस ऐसे कॉर्नर में रख के भूल जाती थी, जहाँ पर उनको वाटरिंग करना भी मुझे याद नहीं रहता था। दैट्स वाई वो प्लांट ख़राब भी हो जाते थे, पता ही नहीं चलता, मैं हमेशा भूल ही जाती थी। और यहाँ पर आप ये दिखाते चलूँ, यहाँ पर मेरे जितने भी स्नेक प्लांट हैं जो मैंने थोड़े इस साइड रख दिए। यहाँ पर भी धूप थोड़ी सी कम आती है, सुबह की 2-3 घंटे की ही धूप आती है इस साइड एरिया में। और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी प्लांट्स जो हैं वो मैंने, ये आपको मैंने हैंगिंग बताए हुए हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर एक एक की डिटेल देने चली जाऊँगी। तो यहाँ पर भी बहुत सारे, सॉरी फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं, अब बहुत सी मैंने पॉट्स जो है हैंगिंग है जो मैंने खाली कर दिए हैं, बिकॉज विंटर्स आ चुका है। और विंटर्स में आपको पता ही है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास प्लांटिंग करने के, फ्लावरिंग करने के, और चारों तरफ बस फ्लावर ही फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। और वैसे मुझे लगता है समर्स के मुकाबले विंटर्स एक ऐसा सीज़न होता है जहाँ पर गार्डनिंग का अपना ही मज़ा आता है, और जहाँ पर धूप होती है बस उस धूप के नीचे बैठ के हम बस अपनी गार्डनिंग कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है हमारा। और समर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते हमारे पास सुबह या शाम का ही टाइम होता है, लेकिन उस टाइम पे भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और ये आप देख सकते हैं, दूर से देखने पे हमारी लुक कुछ है वो इस तरह से लगती है। और बड़े ज़्यादा पॉट मैंने इकट्ठे करके मैंने अब रख दी। यहाँ पर मुझे वाटरिंग की अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और यहीं से ही निकाले वाटरिंग करी, और तो आसानी हो जाती है थोड़ा सा। हेल्थ भी ठीक नहीं रहती हो, कहीं आना जाना हो तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाती थी कि कौन पानी देगा, वाटरिंग कौन करेगा क्योंकि जब आप अकेले होते हैं खासकर, तो उस समय कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि प्लांट्स, जिसके प्लांट्स क्या है उसका ही काम, और बड़ी देखभाल करनी होती है। प्लांट्स लाना एक और बात होती है, और उनको मेंटेन करके रखना भी बहुत, यही सबसे बड़ा काम होता है कि आप प्लांट्स लाते हैं और वो
सालों साल आपके गार्डन में बने रहें तो सबसे बड़ा काम यही होता है। और इसलिए प्लांट्स उतने ही लेने चाहिए जितने हैं कि आप मेंटेन कर सकें। ये नहीं कि प्लांट आपने अपने बड़े शौक से लाया और उसको हम अपने गार्डन में बना के भी ना रख सकें और उसको मल्टीप्लाई करें। प्लांट्स और गार्डनिंग करते रहिए, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलती हूँ, अपने अंजू को इजाज़त दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, बाय।